जम्मू कश्मीर, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में काफी ज्यादा विचार आना शुरू हो जाते हैं। वो विचार इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर कभी भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहा। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए उस इतिहास की बात करेंगे जब यहाँ पर महाराजाओं को रूल हुआ करता था। समय समय पर गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह जैसे रूलर्स ने यहाँ रूल किया है। तो आज हम ऐसे एक व्यक्तित्व की बात करेंगे आज जिसने यहाँ पर डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत करी थी और जम्मू कश्मीर के इतिहास में वो मील का पत्थर साबित हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे महाराजा की जिसका नाम है गुलाब सिंह। बहुत ही पराक्रमी राजा थे, बहुत ही दिलेर स्वभाव का व्यक्ति थे। इनकी एक मंशा थी, जब ये रणजीत सिंह के अंडर काम कर रहे थे, कहा यह भी जाता है कि इन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी महाराजा रणजीत सिंह के ऑर्डर्स को फॉलो करते करते निकाल दी। अच्छे घुड़सवार होने के कारण, अच्छे सेनापति होने के कारण ये महाराजा रणजीत सिंह को भी बहुत प्यारे थे और इसी बात से खुश होकर महाराजा रणजीत सिंह ने इनको एक टाइटल कन्फर किया था जिसको बोला गया था महाराजा ऑफ जम्मू। ये टाइटल दिया है महाराजा ऑफ जम्मू का गुलाब सिंह को किसने दिया था? रणजीत सिंह ने दिया। बात है उस समय की, एयर है 1846 और डेट है, महीना है मार्च का और डेट है 16 मार्च 1846 गुलाब सिंह की जिंदगी में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस डेट को महाराजा गुलाब सिंह की जिंदगी का रेड लेटर डे भी कहते हैं। रेड लेटर डे, ये ना कि सिर्फ इनकी जिंदगी का रेड लेटर डे था, ये पूरे जम्मू कश्मीर के इतिहास में रेड लेटर डे माना गया। इस दिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में 16 मार्च 1846 को एक ट्रीटी साइन की जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एग्जाम में पूछते हैं किस किस के बीच में हुई, तो गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी और इस ट्रीटी में महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का महाराज बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, इतिहास का वो टाइम था मार्च 16 1846 को जो एक रेड लेटर डे साबित हुआ गुलाब सिंह की जिंदगी में, ना कि सिर्फ गुलाब सिंह जी की जिंदगी में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के इतिहास में रेड लेटर डे साबित हुआ। इस दिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में और इस ट्रीटी में क्या था कि जम्मू कश्मीर किसको सौंप दिया जाएगा, आपसे कौन महाराज होंगे, गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के महाराज होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जेकेएसएसबी पंचायत होम असिस्टेंट के एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बात करें हम महाराजा गुलाब सिंह की, तो जब जम्मू कश्मीर को मिला तो महाराजा गुलाब सिंह ने बदले में 75 लाख, वेरी इंपॉर्टेंट, 75 लाख नानक शाही रुपीस बदले में ब्रिटिशर्स को दिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ था कि गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का महाराजा घोषित किया था और जब पावर्स ट्रांसफर करने की बारी थी तो महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख नानक शाही रुपीस देकर अपने पास जम्मू कश्मीर की पावर्स ट्रांसफर करी थी। ये ऐतिहासिक दौर था 16 मार्च 1846 को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर याद रखना 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में और जब पावर्स ट्रांसफर करने की बारी आई तो महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख नानक शाही रुपीस देकर जम्मू कश्मीर की पावर्स अपने हाथ में ले ली। बात करते हैं गुलाब सिंह के जन्म का, तो जन्म डेट ऑफ बर्थ आपने याद रखना है, इनका जन्म 17 अक्टूबर को हुआ था, 17 अक्टूबर 1792 गुलाब सिंह का जन्म हुआ, जम्मू में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम इंपॉर्टेंट है, इनके फादर का नाम है किशोर सिंह जम्वाल, किशोर सिंह
जामनौर, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म कब हुआ गुलाब सिंह का? 17 अक्टूबर 1792 को जम्मू में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम है किशोर सिंह जम्बा। 1809 में ये रणजीत सिंह की आर्मी में इनका दाखिला हुआ एज ए सैनिक के रूप में, एज ए ट्रूपर के रूप में। और ये काफी ब्रेव इंसान थे, काफी ज्यादा इन्होंने एक्सपीडिशन की थी, जिससे रणजीत सिंह ने खुश होकर इनको एक टाइटल दिया था जिसको बोला गया महाराजा ऑफ जम्मू। इनको टाइटल दिया गया था बहुत सारे। जब जम्मू कश्मीर के जब ये महाराजा बने तो इनका जो इम्पोर्टेंट टेन्योर पीरियड है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं 1846 से लेकर 1857 तक। 1846 से लेकर 1857 तक इनका क्या है जम्मू कश्मीर में इन्होंने रूल किया। इंपॉर्टेंट क्या क्या है इनके बारे में? महाराजा गुलाब सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ डोगरा डायनेस्टी। ये डोगरा डायनेस्टी के जनक भी इनको बोला जाता है, डोगरा डायनेस्टी का जनक भी इनको बोला जाता है। किसको? गुलाब सिंह को। और इन्होंने ही मॉडर्न जम्मू कश्मीर की फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की थी 1846 से 1857 तक। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी और ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टाइटल इनको क्या दिया गया है महाराजा ऑफ जम्मू का? किसने दिया था? रणजीत सिंह ने। इंपॉर्टेंट ट्रीटी के ये इन्होंने एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन की थी जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो 16 मार्च 1846 को हुई गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। जब पावर्स ट्रांसफर करने की बारी आई तो इन्होंने 75 लाख नानकशाही रुपीस देकर अपने पास पावर ले ली जम्मू कश्मीर की। इनका एक सपना था, जब ये महाराजा रणजीत सिंह के उसमें टेन्योर में काम कर रहे थे तो उनका एक सपना था कि वो इंडिपेंडेंट एक हिली स्टेट जाते हैं, तो उनका सपना 16 मार्च 1846 को पूरा हो गया था जिसमें उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी। बहुत ही कुशल आदमी थे, बहुत ही कुशल महाराजा थे। इन्होंने अपने टेन्योर में बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो आप देखते हो आजकल धर्मार्थ ट्रस्ट की शुरुआत इन्होंने की है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि धर्मार्थ ट्रस्ट, आपने बड़े सारे मंदिरों के बाहर देखा होगा धर्मार्थ ट्रस्ट लिखा हुआ है, तो धर्मार्थ ट्रस्ट और काफी सारे टेंपल्स इन्होंने बनाए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धर्मार्थ ट्रस्ट किसने बनाया है? तो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया है। जब ये महाराजा हुआ करते थे तो इन्होंने जो क्राइम है उसको बढ़ने नहीं दिया, समय समय पर इन्होंने क्राइम को सप्रेस किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं आपको एक अचीवमेंट बता सकता हूं कि इन्होंने He divided the state into three provinces. तीन provinces में state को divide किया, जम्मू कश्मीर and लद्दाख। Very important. धर्मार्थ ट्रस्ट की शुरुआत करने वाले temples कुछ इन्होंने धर्मार्थ ट्रस्ट की शुरुआत की, temples बनाए। जम्मू कश्मीर को तीन भाग में divide किया गया और कश्मीर प्रोविंस को, वेरी इंपॉर्टेंट, कश्मीर प्रोविंस को भी डिवाइड किया गया। इन्होंने डिवाइड किया कश्मीर प्रोविंस को टू डिस्ट्रिक्ट्स में, कामरस एंड मरस। वेरी इंपॉर्टेंट, कामरस और मरस। जम्मू प्रोविंस को भी इन्होंने डिवाइड किया गया चार डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू प्रोविंस को भी चार डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया इन्होंने, फोर डिस्ट्रिक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं चार डिस्ट्रिक्ट्स के नाम कौन कौन से हैं? उनके नाम है जम्मू, भोपाल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा। He also reformed beggar system. Very important. Also reformed beggar system. He introduced the system of
राशनिंग ऑफ राइस वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. राशनिंग ऑफ राइस, रिफॉर्म बैगर सिस्टम, दरबार ट्रस्ट ने बनाया, टेम्पल्स की फाउंडेशन रखी, कश्मीर प्रोविंस को टू डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया कामराज और मर्ज में, जम्मू प्रोविंस को चार डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जम्मू भोपाल किश्तवाड़ और जसरोटा में. ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ द डोगरा डायनेस्टी, हे लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. 16 मार्च 1846 इनकी जिंदगी का अहम पड़ाव साबित हुआ जब उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी. तो वेरी इंपॉर्टेंट. अब 1856 को इन्होंने अपने बेटे रणवीर सिंह को बीमार होने के कारण रणवीर सिंह को इन्होंने गद्दी सौंप दी. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गुलाब सिंह के बारे में. जेके एस एस पी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आपको काम आ सकते हैं. थैंक यू.